आप ये समझ रहे थे कि क्योंकि एमक्यूएम खुद एनआरओ की बेनिफिशियरी है तो वो स्टैंड लेगी नहीं, बट वो लेगी। दुनिया सारी की पार्लियामेंट्स का परफॉर्मेंस यही होती है, ये डिबेटिंग क्लब नहीं है। पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है, 270AAA भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, आपने कुछ नहीं किया। इराक पे हमला करते वक्त या अफगानिस्तान पे हमला करते वक्त अमरीकी सेनेट में डिबेट हुई थी, बाकायदा डिबेट हुई थी जी। मैं आपको बता देता हूँ, हिलरी क्लिंटन ने इराक को सपोर्ट किया था, ओबामा ने अगेंस्ट गए थे, इसलिए ओबामा को फायदा हुआ अपने इलेक्शन में। मिनट भाई, एक मिनट। एक ऐसी इमदाद, एक ऐसा कर्जा, एक ऐसा इशू जो इस पार्लियामेंट में डिबेट हुआ हो। बुनियादी सवाल भी यही है, ये भी आपने बाय विल नहीं डिबेट कराया, बाय कंपल्शन कराया जी। जब मीडिया में हाइप क्रिएट हो गई, अपोजिशन बहुत ज्यादा करने लगी, इट इज अ नॉर्म यार। सहाफी के पास कलम होता है तो कलम रुकता नहीं है। अगर जरदारी साहब की भी कोई बात होती है तो दूसरे दिन अखबार में छप जाती है। वो भी बहुत एतराज है कि जी इतना डिले हो गया है, हालांकि वो कमेटी हफ्ते में 5 दिन मिलती है। हम इन्वेस्टर को ये मैसेज तो दे सकते हैं, टेररिज्म से पाक नहीं भी है हमारा मुल्क तो कम से कम करप्शन से पाक। आप पर्सन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैं तो सिस्टम स्पेसिफिक बात कर रहा हूं जवाब देने। मेरा हक नहीं है कि मुझे पता हो कि सदर पाकिस्तान के असासे क्या है बतौर टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट के ऊपर जितने इल्जाम लग रहे हैं या एक टारगेट उनको किया गया है, क्या वो हर जगह पे सुई करते रहे? जब आप 18वीं तरमीम लाएंगे तो उसमें से आर्टिकल 6 को खत्म कर देंगे आइन में से कि जी इट शुड नॉट बी देयर। क्यों? तो एक्सरसाइज ही नहीं करना तो उसका फायदा क्या है फिर जी? हटा दें, निकाल दें।